नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे एक नए हेल्थ इशू के बारे में जो हमारे किसी दोस्त या हमारे फैमिली के किसी सदस्य की हेल्थ से जुड़ा हो सकता है। आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या हमारे या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी गर्दन या पीठ में दर्द होता हो और ये दर्द उनकी बाहों या टांगों तक जाता हो, खड़े होने, बैठने और थोड़े चलने पर यह दर्द बढ़ जाता हो? इससे रात में इन अंगों में जलन और झंझनाहट का अनुभव होता है। अगर ऐसा है तो ये हर्निएटेड डिस्क के लक्षण हो सकते हैं, जिसे आमतौर पर स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं। स्लिप डिस्क के क्या कारण हो सकते हैं? स्लिप डिस्क के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले रीढ़ में मौजूद अन्य हड्डियों की स्थिति को समझते हैं। सर्विक्स स्पाइन में 7 हड्डियां होती है, थोरैसिक स्पाइन में 12 हड्डियां, लंबर स्पाइन में 5 हड्डियां और उसके बाद सेक्रम और कॉक्सेक्स सबसे नीचे होती है। इन सभी हड्डियों के बीच एक डिस्क मौजूद होती है जो चलने, मुड़ने और उठने जैसी गतिविधियों से शरीर को झटका लगने पर शॉक अब्जॉर्बर का काम करके हड्डियों को सुरक्षा देती है। उम्र बढ़ने के कारण, ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण, भारी वस्तुओं को गलत तरीके से उठाने से, ज्यादा देर तक बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल या शरीर का वजन अधिक होने के कारण इस डिस्क का लचीलापन कम हो जाता है और मामूली से तनाव या मरोड़ के साथ इसके टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द या सनसनी हो सकती है और शारीरिक विकलांगता का कारण भी बन सकती है। हर्निएटेड या स्लिप डिस्क रीढ़ के जोड़ों के बीच कुशनिंग और कनेक्टिव टिश्यू की चोट है, जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक तनाव या चोट लगने के कारण होती है। स्लिप डिस्क होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर हम कोई ऐसा शारीरिक मेहनत का काम करते हैं जिसमें काफी वजन उठाना पड़ता है तो हमें स्लिप डिस्क होने का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा वजन वाले व्यक्तियों को भी स्लिप डिस्क होने का अधिक खतरा होता है। कमजोर मांसपेशियों और ऐसी जीवन शैली जिसमें पर्याप्त शारीरिक गतिविधि ना हो, उससे भी यह समस्या बढ़ सकती है। स्लिप डिस्क का निदान कैसे किया जाता है? स्लिप डिस्क का निदान एक डॉक्टर मरीज की बीमारी की हिस्ट्री, उसके लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर करता है। MRI, CT स्कैन और एक्सरे से मिली इमेज के आधार पर क्षतिग्रस्त रीढ़ की हड्डियों और मांसपेशियों की पहचान की जाती है। स्लिप डिस्क से जुड़ी कौन सी परेशानियां हैं? अगर स्लिप डिस्क का इलाज न कराया जाए तो यह स्थायी रूप से नर्व डैमेज का कारण बन सकती है। बहुत ही रेयर मामलों में स्लिप डिस्क नर्व इंपल्सेस को पीठ के नीचे वाले स्थान और पैरों तक काट या रोक सकती है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति आंतों या मूत्राशय पर अपना नियंत्रण खो सकता है। स्लिप डिस्क के लक्षणों में सुधार हो सकता है। इलाज न होने की स्थिति में हालात और खराब हो सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी ऐसी गतिविधि जिसे कि आप कर सकते हो उसे आप नहीं कर पा रहे हो तो यह समय है अपने डॉक्टर से मिलने का। स्लिप डिस्क का इलाज क्या है? स्लिप डिस्क की परेशानी के स्तर के आधार पर स्लिप डिस्क का उपचार किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिस्क अपनी जगह से कितनी दूर खिसक गई है। ज्यादातर लोग एक्सरसाइज के माध्यम से स्लिप डिस्क के दर्द से राहत पा सकते हैं। एक्सरसाइज से पीठ और आसपास की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं और मजबूत बनती है। ओवर द काउंटर दर्द निवारक लेने और भारी वजन उठाने से परहेज करने पर इस दर्दनाक स्थिति से बचने में मदद मिल सकती है। यदि स्लिप डिस्क के लक्षण 6 सप्ताह में कम नहीं होते या इसकी वजह से हमारी मांसपेशियों की क्षमता पर असर पड़ रहा है तो डॉक्टर हमें सर्जरी करवाने का परामर्श दे सकते हैं। स्लिप डिस्क को रोकना संभव नहीं है, लेकिन हम इसके होने के खतरे को कम करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे किसी चीज को उठाने के लिए सुरक्षित तकनीक का उपयोग करना चाहिए, जैसे झुकना और चीज को अपने घुटनों तक उठाना। कमर तक वजन उठाने से बचना चाहिए। हेल्दी वेट बनाए रखना चाहिए। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचना चाहिए और समय समय पर स्ट्रेचिंग करते रहें। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें और फिट रहें और हेल्थ मंत्रा को देखते रहें।